हेलो दोस्तों, लर्न बेसिक्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ विश्व। तो अगर आप वीएलसी पर मूवी प्ले कर रहे हैं और कलर प्रॉपर नहीं आ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने ये लाल लाल सा कलर दिख रहा है, ठीक है, यानी कि प्रॉपर कलर नहीं आ रहा है, तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा कुछ नया सीखने के लिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि कैसे वीएलसी पे मूवी प्ले करते समय अगर कलर प्रॉपर नहीं आ रहा है तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें चलना है ऊपर, कई सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे, तो हमें सेलेक्ट करना है इसमें टूल। ये देखिए, यहाँ पर एक टूल का ऑप्शन दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ। ये देखिए, टूल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शन आपको देगा। तो हमें पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इफेक्ट एंड फिल्टर का, ठीक है। देखिए, इफेक्ट एंड फिल्टर, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ छोटा सा विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इसमें भी कई सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो हमें इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वीडियो इफेक्ट का। अब वीडियो इफेक्ट में भी नीचे कई सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, तो हमें तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कलर का। देखिए, इसमें ऑलरेडी सेलेक्टेड है कलर का। अब इसमें आप देख रहे हैं कि कलर एक्सट्रैक्शन पे चेक मार्क बना हुआ है, तो हमें इसको अनचेक करना है, यानी कि चेक मार्क यहाँ से हटाना है। और जैसे ही आप यहाँ से चेक मार्क हटाएंगे, आपका कलर एकदम प्रॉपर हो जाएगा। ये देखिए, चेक मार्क मैंने हटाया और ये कलर प्रॉपर हो गया, ठीक। अब कभी कभी क्या होता है कि निगेटिव कलर पर भी चेक मार्क बना होता है, तो अगर इस पर चेक मार्क बना है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, तो इसको भी आप यहाँ से हटा करके अपना कलरिंग ठीक कर सकते हैं। अगर ऐसा आ रहा है तो यहाँ पर चेक मार्क होगा, इसको हटा दीजिएगा और ये एकदम कलर एकदम प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है।